आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम को खेलना है अपना दूसरा मुकाबला जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टाइम पर वर्ल्ड की सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जा रही है, जहां टीम में डेविड वार्नर स्टीवन स्मिथ के आने से ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे बड़े प्रबल दावेदारों में से एक मानी जा रही है। ऐसे में टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला वर्ल्ड कप 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच यह जबरदस्त हाई वोल्टेज मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे दोनों टीमों की तरफ से इस मैच में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यह मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा। वहीं वीडियो में करने वाले हैं दोनों टीमों के कंपैरिजन के बारे में, कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों अगर हम बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला 9 जून 2019 को खेला जाएगा और यह मैच लंदन के केनिंगटन ओवल के स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि यह मैच शाम को 3 बजे से स्टार्ट होगा यानी कि 3 PM से। अब दोस्तों अगर हम बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, अगर हम बात करें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की, तो एज ए ओपनर बल्लेबाज के तौर पर नंबर एक पर होंगे जबरदस्त फॉर्म में चल रहे डेविड वार्नर, जो कि एक जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज माने जाते हैं। जबकि नंबर दो पर होंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान आरोन फिंच। वहीं अगर हम बात करें नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर होंगे सुमान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलियाई टीम के बेहतरीन बल्लेबाज जो कि एवन डाउन की बैटिंग करेंगे। अगर बात की जाए नंबर चार की, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्टीवन स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बड़े दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं और इस टाइम पर ये काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अगर बात की जाए नंबर पांच की, तो नंबर पांच पर होंगे एलेक्स कैरी, ऑस्ट्रेलिया टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज। जबकि नंबर छह पर होंगे जबरदस्त ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं और खास करके फिनिशिंग की भूमिका निभाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टीम में। अगर बात की जाए नंबर सात की, तो नंबर सात पर होंगे ऑस्ट्रेलिया टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर मार्कस स्टोनिस, जो कि ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं, जबरदस्त तेज गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। अगर बात कीजिए नंबर आठ की, तो नंबर आठ पर होंगे नेथन कल्टर नाइल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जो कि खास तौर पर गेंदबाजी काफी शानदार करते हैं लेकिन काम आने पर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। अगर बात कीजिए नंबर नौ की, तो नंबर नौ पर होंगे पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया टीम के तेज गेंदबाज। वहीं अगर हम बात करें नंबर दस की, तो नंबर दस पर होंगे जबरदस्त फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, जो कि ये वर्ल्ड के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। अगर बात कीजिए नंबर ग्यारह की, तो नंबर ग्यारह पर होंगे आदम जंपा, टीम ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन स्पिनर। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11। अब अगर हम बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इजी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर एक पर होंगे हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, जो कि इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर दो की, तो नंबर दो पर होंगे टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन, जो कि ये दोनों ही बल्लेबाज कहीं ना कहीं अपने जबरदस्त लय में दिखाई दे रहे हैं। अगर बात कीजिए नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर होंगे वर्ल्ड का नंबर वन बल्लेबाज यानी कि द रन मशीन, टीम इंडिया के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन विराट कोहली, जो कि ये भी हमेशा की तरह इस टाइम पर काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर बात कीजिए नंबर चार की, तो नंबर चार पर होंगे केएल राहुल या फिर विजय शंकर, जो कि इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा इस मैच में। अगर बात कीजिए नंबर पांच की, तो नंबर पांच पर होंगे टीम इंडिया के जबरदस्त एक्सपीरियंस विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी। तो इसके बाद नंबर छह पर होंगे केदार जाधव, भारतीय टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर। अगर बात कीजिए नंबर सात की, तो नंबर सात पर होंगे टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो कि इस टाइम पर यह भी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इन्होंने अपने बल्ले और गेंद दोनों से ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर बात कीजिए नंबर आठ की, तो नंबर आठ पर होंगे कुलदीप यादव, चाइना में स्पिनर है। जबकि नंबर नौ पर होंगे जितेंद्र चहल, टीम इंडिया के बेहतरीन लेग स्पिनर है, जो कि इन दोनों ही स्पिनर्स की जोड़ी काफी कमाल की मानी जाती है। अगर बात कीजिए नंबर दस की, तो नंबर दस पर होंगे मोहम्मद शमी, टीम इंडिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर। तो वहीं इसके बाद नंबर ग्यारह पर होंगे जसप्रीत बुमराह, भारतीय टीम के जबरदस्त यॉर्कर किंग। दोस्तों ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले इस मैच के लिए।
दोस्तों ये दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 है, आपके हिसाब से वो कौन से दोनों ही टीमों की तरफ से 11-11 खिलाड़ी खेलने चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें। अब अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन के बारे में कि कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत, अगर हम बात करें सबसे पहले बल्लेबाजी की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ के आने से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। तो वहीं भारतीय टीम के पास रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली जैसे वर्ल्ड के टॉप 3 बल्लेबाज मौजूद हैं जो काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में 50-50 कहा जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास आरोन फिंच, सोन मार्श, उस्मान ख्वाजा, ग्लेन मैक्सवेल जैसे और भी कई जबरदस्त बल्लेबाज टीम में मौजूद हैं। तो भारतीय टीम में भी महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव और भी कई जबरदस्त तगड़े बल्लेबाज मौजूद हैं। अगर हम बात करें ऑलराउंडर की, तो यहां पर टीम इंडिया के पास हार्दिक पांड्या, केदार जाधव जैसे जबरदस्त ऑलराउंडर टीम में मौजूद हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर टीम में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी टाई हो रहा है दोनों टीमों के बीच। अब अगर हम बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की, तो यहां पर टीम इंडिया के पास हैं वर्ल्ड के 2 क्लास स्पिनर, जो कि नंबर 1 पर कुलदीप यादव, नंबर 2 पर युजवेंद्र चहल। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास है आदम जंपा, ग्लेन मैक्सवेल। तो यहां पर टीम इंडिया की स्पिन डिपार्टमेंट काफी ज्यादा ऊपर दिखाई दे रही है। तो यहां पर भारतीय टीम काफी स्ट्रांग है अपनी स्पिन डिपार्टमेंट में। अगर हम बात करें तेज गेंदबाजी की, तो भारतीय टीम के पास है भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नथन कल्टर-नाइल जैसे कई जबरदस्त तेज गेंदबाज मौजूद हैं। लेकिन यहां पर भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह के होने से बॉलिंग लाइनअप भारतीय टीम के थोड़ी ज्यादा ऊपर दिखाई दे रही है। तो यहां पर यह मुकाबला काफी टक्कर, काफी रोमांचक का होने वाला है। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपनी राय जरूर दें।